सबसे पहले तो जो सबसे अहम चीज़ है पुलाव के लिए, गोश्त। गोश्त इसमें अच्छी क्वांटिटी में लेना है, यानी कि अगर आप 500 ग्राम राइस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 किलो 500 ग्राम के तकरीबन आप गोश्त लीजिए, डबल से भी ज़्यादा। और उसके पीस जो हैं वो थोड़े से बड़े रखिए, ज़्यादा छोटे पीस नहीं, क्योंकि इसका जो कुकिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए थोड़े से बड़े पीस रखिए। बर्तन आपको लेना है उस हिसाब से जिस साइज का आप बना रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मोटे तले का बर्तन लीजिए। ऑयल एज पर योर चॉइस, ऑलिव ऑयल और घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आप पहले बहुत ही सावधानी के साथ में मीट जो है आपका, इसमें आपको चम्मच जो है वो चलाते रहना होगा थोड़ी देर में। और पहले इसको सिर्फ, ये उज़्बेकिस्तानी पुलाव जो है इसमें यही है कि इसमें सबसे पहले थोड़ा सा गोश्त जो है उसे रोस्ट करते हैं ऑयल में बिना किसी स्पाइसेस के। इसमें देखिए ये इतना रोस्ट हो गया बहुत अच्छे से, देखिए कितना शानदार तरीके से ये रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑनियन। प्याज की क्वांटिटी भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो प्याज को आपको ऐसे सिंपली ऐसे चॉप करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, लेकिन ऑनियन को इस पर लेयर की तरह लगाना है, ऐसे ये ऐसे इसको लगाना है लेयर की तरह, इसको अभी मिक्स नहीं करना है। 5-6 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही एक लेयर की तरह लगा दिया, इसको 5-6 मिनट तकरीबन ऐसे ही रखना है। इसके पीछे मकसद ये है कि ये इसको सोक करे, इसके जो इसका जो ऑनियन का जो अरोमा है उसको, मटन भी, तो ये फ्लेवर जो है वो बहुत ही बेहतरीन देता है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसी बीच में आपको एक काम और करना है कि अगर आप कैटल यूज़ करते हैं तो पानी को गर्म होने के लिए कैटल में रख दीजिए, वरना किसी भी भगोने में आप पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए। और चावल जो आप इस्तेमाल करते हैं आपको उसका अंदाज़ा होगा कि कितनी देर उसको पानी में भिगोना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक चावलों को पानी में नहीं भिगोना है, क्योंकि चावल जो है वो इसके साथ में ही कुक होंगे। देखिए प्याज से भी कलर आना शुरू हो गया, अब इसके अंदर कैरेट, गाजर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि गाजर जो है वो ज़्यादा मीठी वाली नहीं होनी चाहिए, और इस रेशियो के हिसाब से इसके अंदर अपने को चाहिए 200 ग्राम। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर जो चना जो होता है वो भी डालते हैं, लेकिन चना हम पर्सनली हमें इतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो चने को भिगो करके रख सकते हैं 7-8 घंटे, और उसके बाद चना भी इसमें ऐड किया जा सकता है, अक्सर लोग करते हैं चने को भी ऐड। अब इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, एंड अब इसमें एक स्पाइसी डालेंगे हम, वो हमारा उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें अभी कोई भी पुलाव का जो स्पाइसी है वो आप डाल सकते हैं। If you haven't subscribed to our channel yet, make sure to subscribe and hit the bell icon so that you get instant notifications of our new video upload. लहसुन, तो लहसुन को ऐसे साफ करना है,
दो बड़ी गांठ जो है वो हम इसमें ले रहे हैं इस मेजरमेंट के हिसाब से। खोलना नहीं है इसको, ये ध्यान रखना है आपको कि ये खुलना नहीं चाहिए। और अगर आपको फ्रेश मिल जाए, जैसे ये है फ्रेश गार्लिक, तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है इसमें। अब इसमें गार्लिक जो है अपना इस तरह से साबुत गार्लिक रखना है, ये थोड़ा केयरफुल। और अब जो भी आप राइस है, आपका राइस इसमें ऐड करेंगे, लेयर लगाएंगे। इस तरह से राइस की लेयर लगा करके पानी, गर्म पानी चाहिए, ठीक है ना। तो आप या तो कैटल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें पानी गर्म कर सकते हैं, या भगोनी में अलग से पानी गर्म करके रख सकते हैं। हमारे गेस्ट भी आ गए। प्रीवियस है था विक्टर। हेलो ना गिर दर्शन लोग दर्ज यहाँ अपना। देखिए पानी ऐड करेंगे, हॉट वाटर, गर्म पानी। और ये अंदाज़ा आपको रखना है चावल से ये 2 इंच के लगभग ऊपर हो, ठीक है। चावल से तकरीबन 2 इंच के ऊपर लगभग हो। धीमी आंच हो, धीमी आंच पर इसको शिफ्ट करेंगे। अब इसको कवर करके, इसको कवर करके और Сегодня тоже очень вкусно блюдо. Что? Плов. Плов вообще-то тоже вкусный. Плов давай поедим. Нет. Плов еще. Ну нет, нет. Плов и... Надо будем есть. Ты таблетку съела, где надо что-нибудь кушать. Я ем уже. Хорошо. Хлеб есть очень вкусный один. Там салатики будут. Которые ты никогда не попробовала. Да. Правда? Нет, давай, не такой хлеб. Вот это вот. Тут вина, ты не мешаешь. Икра. Without ikra, Russian dining table is absolutely incomplete. इस पे पहले थोड़ा सा बटर लगा दो। बटर लगाने के बाद में इस पे थोड़ा सा पलिना तिलुविश इकरो नहीं है? Такое нет, другое. Какое другое? Я завтра поеду, хотела попозже. Как с майонезом? С майонезом? Хэппи. Вот так. Знакомься. Это Миша. Привет, Миша. Привет. Привет. А какие заки на выски? Надо подергать заки, да. У него немного чего есть Мне наливайте. Вау. Ее किस तरह खिला खिला है चावल। Family are very happy. Eat, stay safe, stay healthy, and please do subscribe to our channel. Write your experience in comment section. Please hit the like. Take care. Svidaniya.